हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं आ गया हूं ट्वेल्थ का एक और शानदार सेशन लेकर, जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि हमने संधारित्र के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था, और मैंने आपको बताया था कि संधारित्र को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको तुरंत अभी डिस्कस करके बताऊंगा, हल्का सा उसका आपको ये क्लू दूंगा कि मैंने आपको क्या बताया था। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज पीछे के जो भी सेशन है आप उसे देख लें, ताकि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो और मेरे चैनल पे आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में क्लासेस आपको मिलती है, जहां से आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे अगर आपको मैथमेटिक्स वीक है, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, आपका बहुत ही मैथ लो है, जहां पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के हमारे चैनल पे सेशन चल रहा है, जहां पे 11th के अंदर में बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा है। आप वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर मेरे प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर वहां से आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को देख सकते हैं, और वहां से अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित। उससे पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसी का एक टॉपिक है जो है समांतर प्लेट संधारित। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संधारित्र जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संधारित्र होता है कैसा है, जरा देख लीजिएगा। ये हमारे पास है, मैंने आपको बताया था, ये आपके पास है एक प्लेट। ठीक है, ये एक दूसरा प्लेट होता है, जिसमें से एक प्लेट पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ये आपका प्लस चार्ज से आवेशित होता है, यहाँ पे होता है आपका प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, ये दूसरा प्लेट होता है जिसमें क्या होता है आपको माइनस का क्यू माइनस आवेश होता है, यानी निगेटिव आवेश होता है ना। ये आपका होता है निगेटिव आवेश, और ये होता है माइनस का क्यू। और ये वाला जो प्लेट होता है आपको क्या होता है, अर्थेड होता है, यानी भूदृत, यानी जमीन से आपका इसका कनेक्शन होता है। इसको अर्थ किया गया रहता है, कौन से प्लेट को, दूसरे वाले प्लेट को। और ये क्यों अर्थ किया गया है, मैंने आपको पीछे बता रखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि इसके विभव में कमी की जाती है, आवेश जो है यानी क्यू को क्या करते हैं, नियत रखकर विभव में कमी करते हैं। ठीक है, आवेश को नियत रखकर विभव में क्या करते हैं, कमी करते हैं। और ये कैसे होता है, आपको मैंने बता रखा हुआ है क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। अगर हम सी को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। और अगर आवेश को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी आवेश को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो सी जो है क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। यानी अगर आप विभव को कम करेंगे, विभव को क्या करेंगे, जितनी ज्यादा कम करेंगे, विभव का वैल्यू जितना कम होगा उसकी धारिता जो होगी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो विभव को कम इसीलिए किया जाता है ताकि किसी भी प्लेट की या फिर किसी भी हमारा जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसकी धारिता को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो विभव को कम करने का बस एक ही रीजन होता है, जितना हो सके हम विभव को कम कर पाए, जितना विभव कम करेंगे उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस करा था, और यही होता है पूरा का पूरा आपका संधारित्र। ठीक है, संधारित्र में क्या होता है, आवेश को नियत रखकर विभव में क्या की जाती है, कमी की जाती है, और विभव में कमी करने से उस चालक की धारिता क्या हो जाती है, आपको बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र से पहले संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसको एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जरा देखेंगे संधारित्र, यहां लिख देते संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपेसिटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। और ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, तो आप लिख लेंगे आपके इसके प्रकार लिख लेंगे, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है,
इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसका नाम होता है इंग्लिश में, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम इसको बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक है, पहला वो। दूसरा आपका होता है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपका होता है गोलीय संधारित्र, यानी इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और जो थर्ड नंबर वाला होता है आपका, वो होता है आपका समांतर प्लेट हो गया, गोलीय संधारित्र होता है, और एक होता है सिलेंड्रिकल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेलनाकार संधारित्र, है ना, इसको बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र, ये आपका होता है बेलनाकार संधारित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल SYLINDER, है ना, एन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपके तीन प्रकार होते हैं किसकी, संधारित्र के। तो आप सबसे पहले अपने कॉपी पे नोट करेंगे संधारित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, और नीचे में लिखेंगे संधारित्र जो है तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार क्या है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, अच्छा। दूसरा जो होता है आपका होता है गोलीय संधारित्र, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र। और तीसरा जो होता है आपका होता है बेलनाकार संधारित्र, यानी आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इन तीनों को हम लोग एक एक करके इनका इनका डिस्कशन करेंगे, और इसके अंदर में जो व्यंजक निकल के आएगा उसको भी हम लोग निकालेंगे, यानी समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर क्या व्यंजक आएगा वो भी निकालेंगे। क्वेश्चन के बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या निकाले, धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। उसी तरह से गोलीय संधारित्र के लिए क्या करें, धारिता का व्यंजक निकालें, ठीक उसी तरह से बेलनाकार संधारित्र के लिए क्या निकालें, धारिता का व्यंजक निकालें। तो तीनों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अलग अलग क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, तो आप इसे पहले नोट कर ले, फिर हम आते हैं पूरी तरह से समांतर प्लेट संधारित्र के और टॉपिक पे, ठीक है, इसे नोट कर ले। तो देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने समांतर प्लेट संधारित्र का कंसेप्ट बनाया हुआ है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र जो है क्या होती है, हमने इसको फिगर के रूप में भी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती है, ठीक है, दो प्लेटें होती है जो क्या होती है, आपस में बहुत ही कम दूरी पर क्या होती है, अल्प दूरी पे क्या होती है, आपको रखी रहती है दो प्लेटें। एक प्लेट जो होता है एक संग्राहक पट्टिका होती है, जिसको बोलते हैं प्लस का क्यू, और दूसरी पट्टिका होती है जो प्लेट की पट्टिका होती है वो आपको संघनक पट्टिका होती है, जो आपकी होती है माइनस का क्यू। तो ये एक आपके सामने संग्राहक पट्टिका, प्लस वाले को और माइनस वाले को बोलते हैं संग्राहक पट्टिका, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, प्लस वाला जो होता है आपका संग्राहक होता है, ठीक है, संग्राहक पट्टिका, ठीक है, और माइनस वाले को बोलते हैं संघनक पट्टिका। एक टर्म है जो आपको लिखा हुआ मिलेगा किताब के अंदर, ठीक है, संघनक, संघनक पट्टिका, ठीक है, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका दो टर्म है जो आपको मिलेगी लिखा हुआ, ठीक है। प्लस क्यू पहला प्लेट, दूसरा प्लेट क्या, माइनस का क्यू, ठीक है। बीच की दूरी कितनी दी गई है, अल्प दूरी है, इनके बीच में अल्प दूरी कितनी है, डी है, ठीक है, बहुत ही छोटी दूरी होती है, लेकिन इसको हमने दूर में दिखाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ताकि आपको सारी चीजें कंसेप्चुअल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको डी दूरी से अब क्या किया है, कुछ सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, ठीक है। अब प्लस और माइनस क्यू के बीच में, ठीक है, दो आवेश है, तो प्लस है और माइनस है, अब इनके बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, दोनों के मध्य क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। बेसिकली क्या है, आवेश का क्राउड है, तो इसके अंदर में क्या होता है, आप जानते हैं प्लस से विद्युत क्षेत्र निकलता है, प्लस से विद्युत क्षेत्र किधर निकलता है, बाहर की ओर निकलता है कि नहीं, और माइनस से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आपको माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र का आगमन होता है, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, माइनस की ओर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र कितना है आपका, इसके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या है, ई दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं डिफिनिशन पे, डिफिनिशन हमारा क्या कहता है, किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है। बोला है क्या कि समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें, ठीक है, जो आपकी प्लेटें होंगी वो धातु की होंगी, ठीक है,
समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित होते हैं। दो प्लेटें जो है ये आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पहली प्लेट हुई और ये आपकी दूसरी प्लेट हुई, है ना। और दोनों परस्पर एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। और दोनों अल्प दूरी पर एक दूसरे से क्या होते हैं, स्थित होते हैं, है कि नहीं। दोनों एक दूसरे से आपके अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक तो होता है आपका प्लस का क्यू प्लेट और दूसरा होता है माइनस का क्यू प्लेट। इसको बोलते हैं संग्राहक पट्टिका और इसको बोलते हैं संघनक पट्टिका, है ना। और इन्हीं के बीच में क्या होता है, इन्हीं के मध्य जो है आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र ई। और ये वाला जो प्लेट होता है आपका क्या होता है, ये प्लेट आपका भूदित होता है। ये वाला दूसरा वाला प्लेट जो है, यानी प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है, बी है। तो प्लेट बी जो होता है आपको अर्थेड किया रहता है, यानी भूदित रहता है, ठीक है ना, उसको भू संपर्कित किया गया रहता है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जब आप समांतर प्लेट संधारित्र को डील करेंगे तो आप इस कॉम्बिनेशन को भी बना सकते हैं, ठीक है। हमने एक सिंपल कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एक प्लेट प्लस का क्यू दूसरा प्लेट माइनस का क्यू लिया हुआ है, इनके बीच सेपरेशन है डी, विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा हुआ है, जो कि एक साइड में आपका प्लस है दूसरे साइड में क्या है माइनस है कि नहीं, चलेंगे। तो हमने इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है, बैटरी से जोड़ने से क्या होगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके मेन कंसेप्ट पे, ठीक है। तो पहले आप इस डिफिनिशन को आराम से नोट करिए, ठीक है, फिर इसके कंसेप्चुअल चीज पे जहां पे हमारा इसका व्यंजक निकलेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक क्या होगा। सबसे पहले बात करें तो आप ये भी जानते हैं क्या कि जो आपका धारिता होता है, ठीक है, अगर धारिता की बात करें, धारिता क्या होती है, सी होती है, है ना, धारिता। और ये क्या होता है, आवेश अपॉन विभव होता है ना, आवेश अपॉन विभव को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, ठीक है। यानी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में हमको दो चीजें निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो हमको निकालना पड़ेगा आपको वी, है ना, क्यू तो हमको पता है ना, क्यू तो दिया ही हुआ है, हमको यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। और भी निकालने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, तो हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। पहले आप इसे नोट करें, फिर हम स्पेस बनाते हैं और फिर आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे नोट करें, और अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो समांतर प्लेट संधारित्र का कंसेप्ट, तो आप इसे वीडियो को लाइक जरूर कर सके, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे सेशन के साथ ज्वाइन कर सके। तो आप इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आगे की। तो बढ़ते हैं इसके व्यंजक वाले पार्ट पे, ठीक है। देखिएगा जरा सा, अगर हम मान ले, माना कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट है तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का एरिया बेसिकली कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारा ए है जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमारे पास ए है। अच्छा, इसकी धारिता कितनी होती है, सी इक्वल टू होती है हमारी क्यू बाय वी, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब बताएंगे जरा सा, अब इनके बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे इसके अंदर में क्या है, एक समान है। तो आप पीछे पढ़ रखे होंगे, अगर आपने धारिता का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है टोटल, तो धारिता के लिए हमारा विद्युत क्षेत्र जो है, अगर विद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना हो एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या, इप्सा नॉट। ये हमारा होता है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, E इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन इप्सा नॉट, जहां सिग्मा जो होता है आपका पृष्ठीय, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा जो है आपका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं किसको, सिग्मा को बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग बोलते हैं किसको,
सिग्मा को बोलते हैं सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो या फिर इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो हमने लिखा हुआ है ये विद्युत क्षेत्र जो है इस दोनों पट्टिकाओं के मध्य, ये प्लस और माइनस के बीच में जो हमारी विद्युत क्षेत्र दिख रही है आपके सामने यहाँ पे ई, और ई का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। जब दो आपको अलग अलग प्लेटें दी गई हो, दो समांतर प्लेट आपको दी गई हो और उन दोनों प्लेटों के मध्य अगर विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन होता है। अब यहाँ पे एक चीज आता है, सिग्मा, सिग्मा क्या है, ठीक है। तो सिग्मा हमने लिखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सिग्मा को हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा जो है आपका ये बराबर होता है आवेश अपॉन, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। अगर हमारे पास q आवेश है और क्षेत्रफल बेसिकली एरिया हमारा a है तो उस पर कितना आपको क्या होगा घनत्व होगा, उस सरफेस की कितनी डेंसिटी होगी, क्या होगा उसका आवेश घनत्व, तो उसको हम डिफाइन करते हैं सिग्मा इक्वल टू आवेश अपॉन क्षेत्रफल, यानी आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को ही बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आगे जरा देखिए, सिग्मा इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा, सिग्मा निकल के आएगा, आवेश को क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं, है ना, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है आपका ए होता है कि नहीं, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए। तो अब इस सिग्मा के जगह पे क्या इसको पुट कर सकते हैं क्या, तो यहां से देखिए इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारा ई जो बनेगा यानी विद्युत क्षेत्र जो बनेगा क्या है हमारा ई, सिग्मा, सिग्मा के जगह पे रखेंगे कौन सा क्यू और अपॉन ए, तो ये बनेगा क्यू, सिग्मा के जगह पे हमने रखा क्यू अपॉन ए इप्सा नॉट। तो ये अगला हमारा बन जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। ये ई का वैल्यू आ गया क्यू अपॉन ए सिग्मा इप्सा नॉट आ गया, ये सिग्मा के हमने जगह पे क्या रखा q बटा a, तो यहाँ पे आया आपको q और a आया नीचे और इप्सिलॉन और था आपका नीचे में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमने e का वैल्यू निकाल लिया q अपॉन a इप्सिलॉन नॉट, यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। अच्छा अब आप ये भी पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, माइनस का dv बटा dr, ये आपका e होता है, माइनस का डी वी बटा डी आर भी ई होता है, ठीक है, यानी निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको बोलते हैं। मतलब हमने क्या बताया कि विभवांतर का या फिर विभव का ऋणात्मक, विभवांतर का या फिर विभव का ऋणात्मक प्रवणता, प्रवणता ही बोलते हैं इसको, डीवी बटा डी आर को क्या बोलते हैं प्रवणता नाम देते हैं, यानी ऋणात्मक प्रवणता किसका विभव का, तो विभव का ऋणात्मक प्रवणता आपको कहलाता है क्या विद्युत क्षेत्र। तो यहां से हम एक टर्म निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का डीवी इक्वल टू ई वेक्टर, और यहाँ पे ई तो बेसिकली क्या होता है ई हमारा वेक्टर होता है और आर भी क्या होता है वेक्टर ही होता है, E इंटू डी आर हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी माइनस का डीवी इक्वल टू ई इंटू डी आर। अच्छा और इस डीवी को हम लोग क्या बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं, तो ये आपका विभवांतर है ना, विभवांतर और E हमारा विद्युत क्षेत्र, E विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, E विद्युत क्षेत्र, और डी आर को क्या बोलेंगे हम लोग इसको दूरी के टर्म में काउंट कर सकते हैं, यानी डी आर जो होता है आपका अल्प दूरी होता है जिसके अंदर में भी आपको डी लग जाए, जैसे डी आर लग गया तो डी आर मतलब अल्प दूरी, डी डब्ल्यू लग गया तो अल्प कार्य, डी भी लग गया यानी क्या अल्प विभव, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। ई को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, डी आर को हमने लिख दिया दूरी, अल्प दूरी है जितनी भी दूरी है लेकिन दूरी तो है ना, ये आपकी अल्प दूरी हो जाएगी, बेसिकली इसको दूरी बोल दिया, और डीवी जो है वो आपका होता है विभवांतर, तो विभवांतर के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे विभवांतर का विभवांतर, यानी डीवी के लिए हमने लिख दिया विभवांतर। तो यहां से एक चीज हमको निकल के आ गया, यानी भी बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा ई इंटू डी, यानी भी का जो वैल्यू होगा आपको ई इंटू डी आपको निकल के आ जाएगा, आएगा ना भी इक्वल टू ई इंटू डी आपका निकल के चला आएगा। तो जरा देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने तो निकाल लिया भी, भी इक्वल टू ई इंटू डी होगा, अब यहां से आगे देखिएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो भी का जो वैल्यू है वो कितना बनेगा, भी होता है ई इंटू डी और ई हम यहां से निकाल चुके हैं, तो समीकरण सेकेंड का उपयोग करते हुए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ई का वैल्यू कितना है क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट,
यहाँ देखिए इसको हमने लिखा क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट, किसके लिए लिखा? विद्युत क्षेत्र के लिए, ई के लिए, और साथ में क्या गुना करना है आपको, डी को भी गुना करना है, यानी आपको भी का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, क्यू इंटू बी अपॉन ए इप्सा नॉट। ये आपको चीजें समझ में आई, फिर से बात करते हैं इसके लिए, ठीक है। स्टार्टिंग से बात करते हैं, हमने आपको बताया कि जो हमारे पास प्लेट दिया गया है, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, समान आवेश है, ठीक है, समान आवेश है, और समान आवेश के कारण उनके अंदर में समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये समान विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये पीछे की क्लासेस से आपका संबंध है इसका, दो समांतर प्लेटों के बीच समान विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन इप्सा नॉट, ठीक है। अब एक नया चीज था यहाँ पे सिग्मा, तो सिग्मा को हमने डिस्कस किया यहाँ पे, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यानी आवेश अपॉन क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग सिग्मा। तो हमने इसके लिए एक टर्म निकाला सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा का वैल्यू निकाल लिया क्यू अपॉन ए, और इसको हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर में रखा, यानी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट के जगह हमने रख दिया सिग्मा का वैल्यू, तो क्या निकल के आया, ई इक्वल टू क्यू ए इप्सिलॉन नॉट, यहां तक क्लियर है, ये हमारा आया। अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अगर बेसिकली क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग जानते हैं कि E जो होता है माइनस का dV बटा dr होता है, मतलब क्या कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या कि विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता, विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता कहलाती है आपकी विद्युत क्षेत्र। तो वहां से हमने एक और फॉर्मूला निकाला माइनस का डीवी इक्वल टू ई डी आर, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र है और डी आर क्या है, दूरी है, और इस डीवी को हमने बोल दिया विभवांतर, चलेगा। तो वी इक्वल टू ई डी हमने यहाँ से निकाल लिया ई इंटू डी, इसको हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ई का वैल्यू हमारे पास यहाँ था, इसको ला के रख दिया, डी का डी यानी वी का वैल्यू कितना मिल गया, क्यू डी अपॉन ए इप्सा नॉट। अब मेन पोर्शन हमारा क्या है, हमको तो निकालना है बेसिकली धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है समीकरण एक में धारिता का फॉर्मूला होता है Q अपॉन वी, कोई दिक्कत है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन वी। अच्छा, अगर इसको अप्लाई कर दिया जाए तो Q रहेगा, है ना, वी क्या है, वी आपके सामने है क्यू डी अपॉन ए इप्सा नॉट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू इंटू डी अपॉन ए इप्सा नॉट, तो ए इप्सा नॉट जो आएगा तो ये नीचे में आएगा यहाँ पे, तो जब नीचे में आएगा तो इसको कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए इप्सा नॉट, तो अब दो बट्टा तो चलेगा नहीं ना, तो मेन बट्टा को क्या मानेंगे, मेन मानेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे किधर, ऊपर की ओर, तो क्या बनेगा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी इंटू ए इप्सा नॉट। यहां से आप देख सकते हैं क्यू से क्यू कट गया, यानी बचा क्या, सी बराबर इप्सा नॉट ए, है ना, ये आपका इप्सा नॉट आपका बच रहा है, इप्सा नॉट ए अपॉन क्या बच जाएगा यहाँ पे, डी आपका बच जाएगा, और यही होता है आपका व्यंजक जो हम लोग निकालना चाह रहे थे कि समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, धारिता कितनी होती है, यानी धारिता का जो वैल्यू होता है सी इक्वल टू इप्सा नॉट ए अपॉन डी होता है, जहां इप्सा नॉट क्या होता है आप जानते हैं आपका विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, इप्सा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इप्सा नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको सवाल पूछा जाएगा कि दो समांतर प्लेट संधारित्र दी गई है, उसका क्षेत्रफल इतना है, उसके बीच की दूरी इतनी है, तो बताइए उसकी धारिता कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इप्सा नॉट ए अपॉन डी का, जहाँ पे इप्सा नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन 10 टू द पावर 12 होता है इप्सा नॉट का वैल्यू, और ए और डी आपको दिया रहेगा, वहां से आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप इसे नोट करें अच्छे से, इसको अपने कॉपी पे नोट्स बनाएं, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर मेरे चैनल पे जुड़ के आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेरे चैनल पे जुड़ के मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए आपको मिलेगा, जहाँ पे आपके कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं मेरे चैनल पे जुड़कर। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स भी कमजोर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 11th के सेशन को, जहाँ पे 11th के अंदर में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स की बहुत सारी क्लासेस आपके YouTube के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप वहाँ ज्वाइन करके प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और जाके बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की।
आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा और आपको सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करते हैं आज यहीं पे सेशन का समापन। आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। ठीक है, और उसके लिए व्यंजक क्या आता है, क्या निकल के आएगा, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा और इसे आप समझ भी गए होंगे। तो करते हैं यहीं पे आप आज का वीडियो का समापन। अगर आपको समझ पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।